कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित व आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर हमें बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ही ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापिस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालाबाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी के रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारे पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये मालूम है कि जब जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने आपकी हर फसल का उचित दाम दिया और खास तौर से जो गन्ना किसान है तो गन्ना किसानों को पूर्व में और वर्तमान में भी अभी भी किसी की पार्टी की सरकार ने इतना रेट नहीं दिया है तो जितना हमारी सरकार ने रेट बढ़ाकर गन्ना किसानों को दिया। और हमने ये नहीं देखा, चाहे किसान है मजदूर है, तो इनके हितों का पूरा ध्यान रखा। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम
एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा जा सका है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंदशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफ़ी हद तक आजमा भी चुके हैं, और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के सांब दांब दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यहाँ यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का
कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफ़ी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है, और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है तो उसे भी जरूर रोका जाएगा, और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पश्चिमी यूपी के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, जब पुलिस भर्ती हुई थी मेरी गवर्नमेंट में और भी अन्य विभागों में भर्ती हुई थी तो हमारे जाट समाज के लोग सोचते थे कि शायद हमारी उपेक्षा की जाएगी, लेकिन जब भर्ती हुई तो हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी निष्ठा से निष्पक्ष तरीके से बिना कोई पैसा लिए हुए तो हमने गरीब बेरोजगार लोगों की भर्ती की, और पुलिस में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को हमने पश्चिमी यूपी से भेजा, और उसमें जाट समाज के लोगों की भी बड़ी तादाद थी भर्ती में। जाट समाज के जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी हमने अपॉइंट किया बिना किसी पैसे के। पश्चिमी यूपी में अपने जो जाट समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीएसपी की पहली एक ऐसी सरकार है जिसने कोई बिना पैसे के हमारे बच्चों को पुलिस में और अन्य विभागों में भर्ती किया। तो केंद्र में हमारी सरकार बनने पर इसी पैटर्न पर तो गरीब बेरोजगार लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है, और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है।
तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को आप लोगों को यहाँ अपने वोटों को आप लोगों को यहाँ कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का जरूर हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंटर में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो विशेष ध्यान रखा जाएगा सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रा सपना जरूर साकार हो सकता है।